हाँ तो बात कर लीजिए सैमसंग अनपेड इवेंट 2022 खत्म हो चुका है और इनके जो फोल्डिंग और फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं जिसमें फ्लिप 4 और फोल्ड 4 आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में फ्लिप 4 के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें फोल्ड 4 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो डेडिकेटेड फ्लिप 4 के बारे में बात की गई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी स्पेक्स क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, क्या फ्लिप 3 के मुकाबले कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर फ्लिप 3 भी सही था, फ्लिप 4 में क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं। आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो आरंभ करें। बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक साइड में जेड फ्लिप 3 रखते हो और एक साइड में जेड फ्लिप 4 रखते हो तो दोनों में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई फ्लिप ही एक तरह का एक नया इन्वेंशन है, एक नई तरीके की कारीगरी की गई है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको टाइम टू टाइम पॉलिश किया जा सकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी को जो होता है उसे एनहांस किया जा सकता है और इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी को बेहतरीन किया जा सकता है। मतलब इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है जेड फ्लिप के 3 के मुकाबले थोड़ा अच्छा किया गया है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा किया गया है। इस तरह से अगर आप इसे फ्लिप करते हो तो यहाँ पे जो हिंजिस होती है उसे हिंज को और अच्छी तरह से इनहांस किया गया। देखिए, अगर ये फोन अगर आप फ्लिप करते हो तो बीच में आपको हिंज देखने को मिलते हैं, तो पहले के मुकाबले इसे हिंज भी अच्छा किया गया है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई गई, इनहांस किया गया, पॉलिश किया गया। तो देखिए, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा किया गया, इंप्रूव किया गया, लेकिन आपको डिजाइन सेम ही देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो आप फ्लिप 3 रखते हो, फ्लिप 4 रखते हो तो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप उसे यूज करते हो, हाथ में पकड़ते हो तो आपको डिफरेंस साफ साफ मालूम पड़ जाएगा। बात कर लीजिए डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। ये आपको 6.9 mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, इसमें आपको जो बैक पैनल में भी एक डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो 1.9 mm का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में वाला भी डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें आपको 15.9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। बात कीजिए वेट के बारे में। तो ये आपको 187 ग्राम का स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, डुअल डिस्प्ले यहाँ पे यूज किया गया, जैसे कि फ्रंट में ऐसा आप देखोगे, यहाँ पे बैक पैनल में भी एक डिस्प्ले का यूज किया गया। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, LPDDR5 के रैम टाइप देखने को मिल जाता है। तो देखिए, इसमें जो प्रोसेसिंग पावर होगा एकदम बेहतरीन होगा, एकदम कमाल का देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए कैमरास के बारे में, इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप, 12 MP का मेन कैमरा और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है और 10 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, आप मेगापिक्सल के काउंट पे मत जाइए कि इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, अच्छे खासे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इससे जो फोटो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। बैटरी और चार्ज के बारे में, तो इसमें आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और भाई ये फ्लैगशिप फोन है तो इसमें आपको कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो फोन है ये 25W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। बात करें UI के बारे में, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 UI 4.1.1 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको 3 साल का अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिलने वाला है। बात के सेंसर्स के बारे में, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर, डुअल सिम का सपोर्ट, यानी ओवरऑल आपको सारे सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। भाई बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो देखिए इसका जो बेस वेरियंट है बाहर की कंट्रीज में $1000 का लॉन्च हुआ, तो अगर उसे इंडिया में हम कन्वर्ट करते हैं तो मिनिमम इसकी जो प्राइस होगी 80,000 रुपये देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो प्राइस वो रिवील नहीं किया गया, लेकिन इससे कम तो इम्पॉसिबल ही है, इससे ज़्यादा जिसे 90 के बीच से भले हो जाए, लेकिन जहां तक चांसेस इसकी प्राइस 80,000 रुपये होने वाली है। और आप सोचोगे क्या भाई जेड फ्लिप 4 लेने वाला है, तो देखिए ये भाई एक नया इनोवेशन है, तो आपकी जो प्रोसेसर दिया जा रहा है, यूके जो स्पेसिफिकेशंस दे रहा है उसका पैसा नहीं लिया जा रहा, बल्कि इनोवेशन का पैसा लिया जा रहा है। भाई अगर आप कहीं जाते हो, फोन निकालोगे, ऐसा फ्लिप कर दोगे तो सब चौंक जाएंगे, बाप रे ये कौन सा फोन है, सब एक बार जरूर आपको। अगर आप नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हो तो आप ये फोन ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको नई टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप सादा सिंपल वाला भी फोन ले सकते हो। नहीं, ओवरऑल बात करिए, ये फोन बढ़िया है, मुझे पसंद आया हुआ है। तो चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तो जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।